किंग चार्ल्स ने ब्रिटेन की जनता को संबोधित किया। संबोधन के समय भावुक हुए किंग चार्ल्स महारानी एलिजाबेथ को उन्होंने याद किया, उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की। तो ब्रिटेन के किंग चार्ल्स भावुक नजर आए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जब उन्होंने ब्रिटेन की जनता को संबोधित किया और क्वीन एलिजाबेथ को याद किया। 96 साल की उम्र में क्वीन एलिजाबेथ का निधन हुआ है और किंग चार्ल्स जब वो पहुंचे तो उन्होंने अपने संबोधन में बड़ी बातें कही। उन्होंने कहा कि महारानी एलिजाबेथ ने अपने जीवन को ब्रिटेन की जनता को समर्पित किया था, उन्हीं के लिए वो काम करती रही और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी जनता के लिए न्यौछावर कर दी। ये है ब्रिटेन के नए सम्राट किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स ने पहली बार ब्रिटेन को संबोधित किया। इस बीच वो महारानी एलिजाबेथ को याद कर भावुक हो गए। कई बार उन्होंने अपनी माँ को याद किया। She made sacrifices for duty. Her dedication and devotion as sovereign never wavered. महाराजा चार्ल्स ने महारानी एलिजाबेथ के निधन पर दुख जाहिर किया, श्रद्धांजलि भी अर्पित की। संबोधन के समय किंग चार्ल्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि वो इस पद पर रहते हुए संविधान की रक्षा करेंगे। I too now solemnly pledge myself throughout the remaining time God grants me to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. किंग चार्ल्स ने ब्रिटेन की नई पीएम लिज ट्रस से भी मुलाकात की। खबर है कि किंग चार्ल्स ने बकिंगम पैलेस में मौजूद अपने खास लोगों और पीएम ट्रस के साथ क्वीन के अंतिम संस्कार की तैयारियों को लेकर बात की। बता दें कि क्वीन एलिजाबेथ के निधन से ब्रिटेन में शोक की लहर है। महारानी को श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। बिहार के सिवान से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां एक कार्यक्रम के दौरान अचानक मंच टूट गया। ये घटना 8 सितंबर की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें दिखा कि कार्यक्रम के दौरान अचानक मंच ढह गया। सामने आए वीडियो में तुषाकर मधु नाम की एक भोजपुरी कलाकार मंच पर डांस करती दिखाई दी, जबकि कई लोग पीछे खड़े होकर उनका डांस देखते नजर आए। इसी बीच अचानक मंच टूट गया। इस घटना के बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। हालांकि गनीमत यह रही कि इस घटना में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा और एक बड़ा हादसा टल गया। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें एक बुजुर्ग अपने पोते को बेरहमी से पीटते दिखे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो मासूम बच्चे को बुरी तरह पीटती नजर आई। यही नहीं, वो पहले डंडे और फिर बाद में उसको पैरों से भी मारती दिखी। इस बीच वो बच्चा तेजी से रोता रहा, लेकिन बुजुर्ग नहीं मानी और लगातार उसकी पिटाई करती रही। हालांकि कुछ देर बच्चे की पिटाई करने के बाद उन्होंने उसे छोड़ दिया, लेकिन इसके बाद तो उन्होंने हैवानियत की सारी हदें ही पार कर दी। बच्चे को वो घर के बाहर भरे पानी में डुबोती दिखाई दी, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने पानी से उसे बाहर भी निकाल लिया। बुजुर्ग की बच्चे की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद मामले की जांच तेजी से हो रही है। जानकारी के मुताबिक जिस मासूम की पिटाई उसकी दादी ने की, उसकी माँ गूंगी है जबकि पिता मंदबुद्धि है, जिसकी वजह से वो अपनी दादी के साथ ही रहता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें दो ट्रकों की आपस में जोरदार टक्कर होती दिखाई दी। ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दो ट्रकों की आमने सामने से टक्कर होती नजर आई। इस घटना का जो वीडियो सामने आया, उसमें एक ट्रक तेज रफ्तार से सड़क पर गुजरता दिखाई दिया, लेकिन तभी सामने से आ रहे दूसरे ट्रक से उसकी भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि दोनों ट्रकों के परखचे उड़ गए, जबकि उनमें रखा सामान सड़क पर बिखर गया, जिसकी वजह से सड़क बंद हो गई। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इस घटना में दोनों ट्रकों के ड्राइवर बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी के फिरोजाबाद से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक महिला रेल की पटरी पार कर रही थी, तभी ट्रेन आ गई, जिससे वो ट्रेन के सामने आते आते बची। सामने आए सीसीटीवी में वो महिला अपने सामान के साथ रेल की पटरी पार करने की कोशिश करती नजर आई, लेकिन वो दूसरी तरफ से आने वाली ट्रेन से बिल्कुल अनजान थी और धीरे धीरे पटरी पार कर रही थी। पर जैसे ही उसने ट्रेन को अपनी तरफ आते देखा, वो डर गई और बचाने के लिए लोगों से मदद मांगने लगी, जिसके बाद वहां मौजूद एक रेलवे कर्मी ने तुरंत दौड़कर उसकी मदद की और उसे प्लेटफार्म पर ऊपर खींच लिया। महिला को उस आदमी ने जैसे ही ऊपर खींचा, पूरी रफ्तार से ट्रेन गुजर गई। अगर कुछ सेकंड भी देरी होती तो महिला की जान जानी तय थी। हालांकि रेलवे कर्मी की बहादुरी से उसकी जान बच गई। इस बीच दिल्ली में अब कॉलेज में वेतन का मुद्दा गर्मा गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू समेत बीजेपी के कुछ नेताओं ने एक नोटिस ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने दिल्ली सरकार के दीनदयाल उपाध्याय कॉलेज में प्रोफेसरों के वेतन में कटौती का आरोप लगाया। ये नोटिस सामने आने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन ने नाराजगी जताई और राज्य सरकार से जल्द फंड जारी करने की अपील की।
आम आदमी पार्टी ने बताया कि टीचरों का वेतन राज्य सरकार की वजह से नहीं रुका है। पार्टी का दावा है कि सरकार इस कॉलेज के लिए फंड जारी कर चुकी है। कॉलेज के पास 30 करोड़ रुपए की एफडी है। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है, जहां पर सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी मिली। सुरक्षा बल ने 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया है। पूर्वी कश्मीर के सोपोर से इन्हें गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 ग्रेनेड और कई हथियार बरामद हुए हैं। ये लश्कर के ओवरग्राउंड वर्कर बताए जा रहे हैं। तो सुरक्षा बल को बड़ी कामयाबी, लश्कर के आतंकी पकड़े गए हैं। इनकी संख्या 4 है। जम्मू कश्मीर के सोपोर में ये आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। इनके पास से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। मध्य प्रदेश के सतना में पति से विवाद होने के बाद खपा पत्नी ने पुल से छलांग लगा दी, जिसे बचाने के लिए उसका पति भी पुल से नीचे कूद गया और उसे बचा लिया। लेकिन पत्नी को बचाने के बाद उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने उसकी पिटाई शुरू कर दी। सामने आए वीडियो में वो अपनी पत्नी को पानी से घसीट कर बाहर निकालता दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही वो किनारे पर पहुंचा, उसने पिटाई और तेज कर दी। इस दौरान वहाँ पुल के ऊपर मौजूद लोग उसे बाहर निकलने के लिए कहते रहे। अरे वही बाहर निकालना, बाहर लेके आ। लेकिन खपा वो आदमी बाहर निकलने के बजाय लगातार पिटाई करता रहा। बताया गया कि पति की मारपीट और गाली गलौज से तंग आकर महिला ने पुल से छलांग लगाई थी, लेकिन पति ने उसे बचा लिया। पर वो इस बात से इतना खफा हो गया कि उसने उसकी पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस दोनों को थाने ले गई और उन्हें समझा बुझा कर वापस घर भेज दिया। चीन की वजह से नेपाल में सबसे बड़े त्योहार दाशिन का जश्न फीका पड़ने वाला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि चीन ने नेपाल जाने के लिए निकले कई ट्रकों को तिब्बत में ही रोक दिया, जिसकी वजह से नेपाल में दशहरे की तैयारी कर रहे कई लोगों की उम्मीदें टूट गई, क्योंकि इस त्योहार को मनाने के लिए फल, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों समेत कई दूसरी चीजें चीन से मंगवाई गई थी, जो ट्रकों के जरिए इस त्योहार से पहले नेपाल पहुंचने वाली थी। लेकिन चीन ने कोरोना का हवाला देकर उन ट्रकों को बीच रास्ते में ही रोक दिया, यानी उन सैकड़ों ट्रकों को नेपाल जाने की मंजूरी नहीं दी गई, जिसके कारण नेपाल में दशहरे का त्योहार, जिसे वहां दाशिन के नाम से मनाया जाता है, उसका जोश ठंडा पड़ने लगा है। और इसके साथ ही नेपाल के उन कारोबारियों की भी टेंशन बढ़ गई जिन्होंने बड़ी संख्या में त्योहार से जुड़ी चीजें चीन से मंगवाई थी। बताया गया कि इसके लिए उन्होंने करोड़ों रुपए चुकाए थे, लेकिन उनके ट्रक तिब्बत तक तो पहुंच गए मगर उसके आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं। चीन का कहना है कि तिब्बत के कई इलाकों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, इसलिए वहां लॉकडाउन लागू है। ऐसे में नेपाल के इन ट्रकों को वहां से जाने की वो इजाजत नहीं दे सकता। बताया गया कि इस मुद्दे पर नेपाल के अधिकारियों ने भी चीन की सरकार से अपील की, लेकिन शी जिनपिंग सरकार पर इसका कोई असर नहीं हुआ। इस बीच खबर है कि करीब 2 हफ्तों से फंसे ट्रकों में रखे गए फल अब सड़ने लगे हैं, और अगर जल्द ही उन्हें अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाया गया तो वो पूरी तरह बेकार हो जाएंगे। लेकिन इस मुद्दे पर चीन का रुख देखकर ऐसा लगता नहीं कि इन ट्रकों को नेपाल में त्योहार से पहले भेजा जाएगा। बच्चा चोरी के शक में पिटाई की गई। यूपी के रायबरेली में ये हादसा हुआ। यहाँ भीड़भाड़ वाले इलाके में गुस्साई भीड़ ने एक पिकअप वैन के ड्राइवर और उसमें बैठे 3 लोगों को बुरी तरह से पीट दिया। बच्चा चोरी के शक में पिटाई की ये वारदात पुलिस के सामने हुई। ड्राइवर और उसके साथी पिटते रहे, लेकिन पुलिस वाले चुपचाप खड़े तमाशा देखते रहे। बताया जा रहा है कि एक पिकअप वैन बांदा से सामान लेकर लखनऊ गई थी। जब ये वैन वापस लौटी तो रायबरेली में से भीड़ ने पकड़ लिया और बच्चा चोरी के शक में मारपीट शुरू हो गई। बीच सड़क पर भीड़ जुट गई। लोगों ने पिकअप वैन में बैठे ड्राइवर और उसके 3 साथियों को बुरी तरह से पीट दिया। गाड़ी भी तोड़ डाली गई। पिटाई हो जाने के बाद पुलिस वाले भी एक्शन में दिखे और भीड़ के बीच